नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेदा इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बार बार चीज़ों को भूल जाना, विस्मृति, डिमेंशिया, आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। चलिए इसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रेजेंट में घटने वाली घटनाओं को भूल जाना, किसी भी प्रश्न को बार बार दोहराते रहना, वस्तु को कहीं रखकर भूल जाना, मौसम या ऋतु का ज्ञान ना होना, मनोदशा में परिवर्तन होता है और दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है, जैसे कि ब्रश किया या नहीं, टीवी का रिमोट कैसे चलाना है, खाना बनाना है तो कैसे बनाना है। इस तरह के प्रश्न यदि खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आप डिमेंशिया से ग्रसित हैं। कारण क्या हो सकता है कि बाय द वे कभी सिर पर चोट लगी हो या ब्लड सर्कुलेशन में कहीं इंटरप्शन आ रहा है। बहुत ज़्यादा जब एडिक्टेड हो जाता है व्यक्ति अल्कोहल या स्मोकिंग का, या बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध या बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण यह दिमाग में कमजोरी की वजह से आता है। बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थों का भी सेवन यदि हम करते हैं तो भी यह प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम प्राकृतिक तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं। यदि मस्तिष्क में दुर्बलता है तो 5 ग्राम बादाम, 3 ग्राम तरबूज का मगज, 3 ग्राम कद्दू के मगज, 3 ग्राम गेहूं का सत, 3 ग्राम बबूल गोंद, 20 ग्राम मिश्री, इनको दूध में पीसकर घी का बघार लगाकर, लौंग इलायची के साथ अच्छे से बघार लगाकर काढ़ा बनाकर और फिर सुबह सुबह खाली पेट 15 से 20 दिन लेते हैं तो मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और ये प्रॉब्लम क्योर होने लगती है। इसके अलावा विटामिन B1, B6, B12, ई भरपूर दें। कब्ज की प्रॉब्लम है तो उसको हर्ड का मुरब्बा खिलाकर दूर करें। गर्मी के कारण यदि है तो सफ़ेद चंदन, गुलाब का अर्क घिस कर सुंघाएं और बकरी के दूध में कपड़ा तर करके सर पर रखते हैं तो भी यह समस्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक और सरल तरीकों को अपनाकर अपनी यदि कोई समस्या इस तरह की खड़ी हो रही है तो उसे दूर कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।